Good morning, students. Today we are going to start the first chapter of your book, Everyday Things, written by Jean Eyre. I hope you all have seen the video of the poem. It is about the everyday things that we do every day in our daily lives. Okay, so let's start the poem. First of all, I want you to know, I hope you all know who are these people. Do you know him? He's Mr. Donald Trump, right? He's the president of United States of America, right? You have seen him in news nowadays, all right? He's Mr. Narendra Modi. He's the prime minister of India. I hope you all have known him, right? So if we talk about these two persons, why I am showing you these two pictures? Because if we talk about the power, I think they are the most powerful persons in the world, right? They are the most powerful person in the world. All right. So in this poem, the poet is trying to tell what a common man do in their daily lives is same as what a millionaire or a king or a president will do in their daily lives. जो चीजें एक आम आदमी अपने दिन में करता है, वही चीजें मोस्टली जो पावरफुल लोग होते हैं, जो रिच लोग होते हैं, वो भी उन्हीं चीज़ों का यूज़ करते हैं और वही चीज़ें करते हैं, राइट? एवरीडे थिंग्स अगर हम बात करें तो क्या हो सकती हैं, जैसे नहाना, ब्रश करना, बाल कुम करना, क्लोथ्स चेंज करना, खाना खाना, दीज आर द एवरीडे थिंग्स एंड दीज आर सिमिलर टू एवरी वन ऑन दिस इन दिस वर्ल्ड, राइट? इट डजेंट मैटर दैट द पर्सन इज अ कॉमन मैन or a powerful or a rich man. Alright, so let's start the poem. Millionaire, presidents, even kings can't get along without everyday things. Were you president, king or millionaire, you would use a comb to comb your hair. आप millionaire हो, president हो, king हो, कोई भी हो, आप अपनी रोज की चीजों से नहीं बच सकते, right? आपको अपने बाल comb करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? कॉम्ब की ही जरूरत पड़ेगी, चाहे वो कॉमन मैन हो, चाहे वो मिलेनियर हो. इफ़ यू विश टू बी क्लीन एंड यू वुड, आई होप यू वुड टेक अ बाथ विद वाटर एंड सोप एंड यू वुड हैव टू ईट, इफ यू वांटेड टू ईट, ब्रेड एंड वेजिटेबल्स, फिश एंड मीट. व्हाइल योर ड्रिंक फॉर ब्रेकफास्ट वुड प्रोबेबली बी मिल्क और चॉकलेट, कॉफी और टी. अगर आप अपने आप को साफ रखना चाहते हैं तो आप किससे नहाएंगे? वाटर और सोप से ही नहाते हैं. खाना खाएंगे तो क्या खाएंगे? ब्रेड खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे, फिश खाएंगे, मीट खाएंगे, राइट? अगर आप ड्रिंक करना चाहते हैं फॉर द ब्रेकफास्ट तो आप क्या पियेंगे? मिल्क, चॉकलेट, कॉफी और टी, राइट? यू वुड हैव टू वेयर, यू कुड हार्डली रिफ्यूज, अंडर क्लोथ्स, आउटर क्लोथ्स, स्टॉकिंग्स एंड शूज. इफ यू विश टू मेक अ रिमाइंडिंग नोट, यू वुड टेक अ पेंसिल आउट ऑफ योर कोट. And you couldn't sign a letter, I think, with anything better than pen and ink. आपको आप सभी को कपड़े पहनने होते हैं, चाहे वो कॉमन मैन हो, चाहे वो रिच मैन हो, अंडर क्लोथ्स, आउटर क्लोथ, सबके लिए नेसेसिटी है. अगर आप कुछ नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप किसी पेंसिल से करेंगे, आप कुछ साइन करना चाहते हैं तो आपको किसकी ज़रूरत होगी? पेन और इंक की, राइट? ऐसा तो नहीं है कि मिलेनियर्स कुछ और यूज़ करते हैं लिखने के लिए, वो भी पेन ही यूज़ करते हैं, राइट? If you wanted to read, you would sure to look at newspaper, magazine or a book. And if it happened that you were ill, you would down some oil or choke on a pill. अगर आपको कुछ पढ़ना है तो आप क्या पढ़ोगे? Newspaper, magazine or a book. अगर आप बीमार हैं तो आप क्या खाएंगे? दवाई ही खाएंगे, right? If you had a cold, I can only suppose you would use a handkerchief for your nose. When you wanted to rest your weary head, like other folks, you would hop into bed. Millionaires, presidents, even kings can't live without everyday. अगर आप बीमार हैं या आपको सर्दी हो रही है तो आप किसका यूज़ करेंगे अपनी नाक पोंछने के लिए? रुमाल का, हैंकरचीफ का? अगर आप थक गए हैं, आप टायर्ड हैं, आप आराम करना चाहते हैं तो आप किस में सोएंगे? बेड पर, राइट? और मिलेनियर्स, प्रेसिडेंट्स और इवन किंग्स, वो भी यही सब चीज़ें करते हैं. दे ऑल्सो कांट लिव विदाउट दिस एवरी डे. सो द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट इवन थिंग्स कांट
even kings can't live without need to use these things. These everyday things are needed by essentially in our daily lives, whether it is a millionaire, a president, or even a king. Okay, I hope you understood the summary of this poem.